उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। वो कहने लगे तू पागल हो जाए, मैं सुनता रहा। अपने सपनों को मन में दबाए उन्हें बुनता रहा। अरे अब कौन समझा इन पागल लोगों को, अब कौन समझा इस पागल लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तब मेरा विश्वास बदलेगा, और जब मेरा विश्वास बदलेगा तो ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है हितेश जैन सर और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स। और आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर बच्चे का प्रॉब्लम है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर के जब वो IIT JEE या फिर नीट की तैयारी करता है। तो प्रॉब्लम है क्या सर? सिंपल सा प्रॉब्लम है, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि सर हम पढ़ते तो हैं, बहुत कोशिश करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता। हर बार हर एक बार हम तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद इस बार अच्छा रिजल्ट आ जाए, पूरी मेहनत करते जान लगा देते बट फिर भी रिजल्ट नहीं। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार अच्छा आ जाए बट उस बार भी नहीं आ। तो कारण क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है? तो इसी बात का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो आपका सवाल या आपका जो प्रॉब्लम है ना वो खुद ही गलत है। आपका सवाल क्या है ये जानने की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लॉजिकल मोटिवेशन मिलेगा। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ में। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि सर हम पढ़ते हैं पर रिजल्ट नहीं आता। भाई साहब एक बात बताओ, दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक मुझे पर्सनली जो लगता है वो गीता का है कि जिसमें कहते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये जो आपने सवाल पूछा ना कि सर रिजल्ट नहीं आता, हम कोशिश तो करते पर रिजल्ट नहीं आता, जैसे आप बात करो रिजल्ट के बारे में, आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर दे रहे हो जो कि बहुत गलत। सोचो जब भी आप अगर रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो मतलब आपका फोकस रिजल्ट जर्नी पर नहीं, आपका फोकस रिजल्ट पर। और जब भी आप रिजल्ट को देख करके काम करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखो कहते हैं ना कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, उस जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है एग्जाम में, उस बच्चे को आप पूछो कि भाई एक बात बता, तू इसलिए पढ़ता है कि रिजल्ट आ सके या पढ़ता है इसलिए रिजल्ट आता है? दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। तू इसलिए पढ़ता है कि रिजल्ट आ सके या पढ़ता है इसलिए रिजल्ट आता है? तो कहेगा कि सर एक्चुअल में बात यह है कि जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मजा आता है, तो मैं अपनी जर्नी इंजॉय कर रहा हूं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेस को देख करके काम नहीं किए, उन्होंने अपनी जर्नी को इंजॉय किया। तो जो पढ़ाई है, जो एक जर्नी है, उसको आपको इंजॉय करना है, अपने आप रिजल्ट आएगा। सर ये सब बोलने की बात है, बोलने को अच्छा लगता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, रियलिटी में ये सब कुछ नहीं होता सर, ये बकवास बात है, एकदम बिल्कुल बकवास बात। मैं कहूँगा ये बिल्कुल भी बकवास बात नहीं है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, एकदम फुल्ली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी इसमें धोखाधड़ी कुछ भी नहीं होगी। देखो हमने शुरू किया 10th से, हम 11th में आए और हमने एक बहुत अच्छे कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया जहाँ हम पढ़ते हैं, और हमें शुरू में पढ़ाया गया बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, फिजिक्स की बात करूँगा, फिजिक्स टीचर जो ठहरा, हमें सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया शुरू में। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है हमें अच्छा लगा, हमने एग्ज़ाम वगैरह दिलाया सर, पहली बार तो अच्छे मार्क्स आए, अच्छा लगा हमें। बट सर फिर जब काइनेमेटिक्स शुरू हुआ, जब NLM शुरू हुआ, जब फ्रिक्शन शुरू हुआ, जब वर्क पावर एनर्जी शुरू हुआ, तब मेरी एनर्जी घटने लगी, क्योंकि इसके बाद हर एक जो बेसिकली चैप्टर्स आते गए वो थोड़े से टफ होने लगे। मतलब 10th में जो हमारे पढ़ने का तरीका, 11th में जो हमारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो कैसे मतलब आप अपने आप से सेम रिजल्ट मतलब ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे भी वही आ रहा और यहाँ पे भी वही आ रहा? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेसिकली सर इस प्रॉब्लम तो आपने बता दी, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि कैसे आएगा तो बताता हूँ। देखो अपन ने आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, हाथी का एक छोटा बच्चा होता है ना, हम सब जानते हैं क्या होता है, उस हाथी के छोटे बच्चे का जो पैर है ना, पैर वो चैन से बांध दिया जाता है। तो जब वो छोटा होता है तो वो कोशिश करता है कि चलो हम चैन को तोड़ने की कोशिश करें। आप भी जब शुरू में क्लास 10th से क्लास 11th में आए, आपने पहले चैप्टर को अटेंड किया, आपने पूरी कोशिश किया कि आप उस जंजीर को तोड़ दो, ठीक है, आपने कोशिश की, आपने अच्छा भी किया, लेकिन उसी तरीके से हाथी का बच्चा भी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। आपने अच्छा किया लेकिन उस तरह से अच्छा नहीं किया, और हाथी का बच्चा भी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। बट
जब वो बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर क्षमता आती जाती है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं यही भर दिया जाता है कि नहीं हमसे ना हो पाए। हाथी का बच्चा अब कोशिश करना ही बंद कर देता है, बिल्कुल ट्राई नहीं करता। ठीक उसी तरीके से आप भी अब उस हाथी के बच्चे की तरह हो गए। आपकी कैपेबिलिटी, आपके सोचने का पावर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर, दूसरे चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपके सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आपका माइंड डेवलप हो रहा है। बट आप उस पुराने रिजल्ट को लेकर के, जो पहले भूतकाल में कभी आया हुआ है, जो पास्ट में जो रिजल्ट आया हुआ है, उसको लेकर के आप आज का रिजल्ट खराब कर रहे हो। तो आप ये सोचना ही बंद कर दो, पहले तो दिमाग से निकाल दो कि हमसे नहीं होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ, फिजिक्स की एक बात बताता हूँ, फिजिक्स का इवन हर सब्जेक्ट। देखो हमने क्या पढ़ा, वेक्टर्स पढ़ा। शुरू शुरू में जब हमने वेक्टर्स पढ़ा तो हमें लगा यार ये कैसी चीज़ है यार, ये तो दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, हम तो जानते नहीं थे, हम तो दो और दो चार ही जानते थे। हम ये नहीं जानते थे कि दो और दो शून्य भी हो सकता है, दो और दो चार भी हो सकता है, और दो और दो दो रूट दो भी हो सकता है। हम ये कभी जानते ही नहीं थे। तो शुरू में कोई भी चीज़ अगर आपको अचानक से मिल जाए तो आपको अजीब लगता है, बट सोचो रिपीटेटिवली वही चीज़ आपके साथ हो, रिपीटेटिवली आपको वही काम करना हो तो आसान लगेगा। अब आप सोचो आपने सिर्फ वेक्टर वेक्टर्स में पढ़ा है क्या? नहीं, आपने एलएनएम में पढ़ा, आपने फ्रिक्शन में पढ़ा, आपने काइनामेटिक्स में पढ़ा, आपने रोटेशन में पढ़ा, आपने हर चैप्टर में क्या पढ़ा? वेक्टर्स पढ़ा। तो बताओ क्या वो वेक्टर जो पहले वाली पहले दिन आपके लिए इतना मुश्किल था कि आज के दिन आपके लिए इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से जब हमने काइनामेटिक्स शुरू किया, एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहली बार जब मैंने सवाल लिखा होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर आपके किसी भी टीचर ने सवाल लिखा होगा, तो आपको मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। बट आज के डेट में अगर कोई आपको सवाल दे दे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में, तो आप ऐसे चुटकी बनाकर बता दोगे। तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ चीजें आसान होती जा रही है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, आपको सिर्फ क्या रहना है, कंसिस्टेंट है। वो एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम जानते हैं जिम सब करते हैं, मेरा भी पेट निकल रहा है, मैं भी जिम करता हूँ ऑब्वियसली, अभी करना शुरू कर दिया है। बट आपको पता है कि जिम में आने वाले 98% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत फल की इच्छा है। वो आ ही इसलिए रहे हैं जिम में कि उनको मतलब फल मिल जाए। मैं जिम इसलिए नहीं जाता, मैं जिम इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ जिम की जर्नी, मुझे अच्छा लगता है वो माहौल, वो एक्सरसाइज बहुत पसंद आता है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजॉय करते रहो जर्नी को और कंसिस्टेंट रहो। एक बार रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार नहीं आया, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया मतलब, और आप हर पार्ट टेस्ट को दिलाया, आपका रिजल्ट मतलब मान लो 50% से भी कम है हर टेस्ट में, इवन चलो 30% से भी कम है, बस आपको एक चीज़ नहीं करनी, वो गिव अप नहीं करना है। मैंने बहुत सारे अपने मतलब 8 साल की जर्नी में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो लिटरली ऐसे 30% 20% मार्क्स ला रहे थे, बट उनके मन में ये बात पक्का थी कि मैं अगर कर्म करता जाऊं और फल की चिंता मत करूं तो एट द एंड मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि किसी ना किसी टीचर ने उसको बता के रखा था कि यही चीज़ें आपके सामने से इतनी बार गुजरेंगी कि जो एनएलएम आपको पहले दिन इतना टफ लगा था, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। ये बात पता थी उसे, तो वो सिर्फ करता रहा। टेस्ट खत्म हो गए और जब मेंस लेवल के टेस्ट होने लगे, जब टोटल टेस्ट होता है ना, टोटल कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, तो उसको इम्प्रूवमेंट नजर आने लगी। और एक बार भाई आपको पता है कि जब एक बार इम्प्रूवमेंट का कीड़ा किसी के अंदर आ जाता है, मतलब एक बार वो खुशी मिल जाती है इम्प्रूवमेंट की, फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो सक्सेसफुली होके इंसान ठहरता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है, आपको बार 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 परिश्रम करते रहना है। वो कहते हैं ना कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो चढ़ते हुए दीवारों पे 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप समझ पाए कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। जाते जाते एक और बात कहूँगा कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और बच्चों आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि आप इतिहास बदल पाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।